टेंथ की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की सेकंड वीडियो है ये। फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को किया था। इसमें हम करेंगे, सेकंड वीडियो में हम करेंगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट को। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें सबसे पहले जीरोज फाइंड करने हैं, जो भी पॉलीनोमियल गिवन है, और उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है उसे वेरीफाई करना है। तो फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस में 8u। इसका हमें सबसे पहले जीरो फाइंड करेंगे, जीरो फाइंड फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। और इसमें क्या है, एक कांस्टेंट टर्म u² दे रखा है, u दे रखा है, और कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो कांस्टेंट टर्म अगर मिसिंग है तो वो क्या होगा, जीरो। इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स करना बिल्कुल ईजी है ये। इसमें से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 4u। ठीक है, 4u हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, u प्लस में 2। ठीक है, और u प्लस में 2 मतलब एक एक फैक्टर तो हो गया 4u और एक हो गया u प्लस 2। अब इनमें से 0 निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4u इक्वल्स टू 0, और इसी तरह से u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दोनों जगह से u की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, 4u, u के साथ 4 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा u इक्वल्स टू 0 अपॉन में 4, यानी कि 0। जो हमारी पॉलीनोमियल की पहली 0 आई है वो है 0, मतलब 0 ही आई है। ठीक है, और u प्लस 2, इसमें से हम 0 निकालेंगे तो ये हो जाएगा u इक्वल्स टू माइनस 2। 2 को दूसरी तरफ भेजा, प्लस में है इस तरफ, दूसरी तरफ जाके माइनस में हो गया। तो यहाँ पर दो जीरोज आए हैं, एक तो है 0 और है माइनस 2। अब इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, जो भी जीरोज और कोफिशियंट के बीच में होती है। तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस में कोफिशियंट ऑफ u और अपॉन में कोफिशियंट ऑफ u स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज मतलब 0 प्लस में माइनस 2, तो 0 प्लस में माइनस 2, इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस में कोफिशियंट ऑफ u, u का कोफिशियंट क्या है 8, उसके साथ माइनस साइन होना चाहिए। तो माइनस में 8 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ u स्क्वायर, u स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है 4। ठीक है, तो 0 प्लस माइनस माइनस, तो 0 में से हम माइनस 2 करेंगे तो ये माइनस 2 ही रहेगा, और 4 टू ज 8। ठीक है, और ये माइनस साइन जो है ये इसके साथ ही रहेगा, तो ऊपर भी क्या आ गया माइनस 2। ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज वेरीफाई। इसी तरह देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को किस तरह से वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि 0 मल्टीप्लाई में माइनस 2, तो 0 मल्टीप्लाई में माइनस 2 इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं दे रखी है तो वो क्या होगी 0। तो हम लिखेंगे 0 अपॉन में u स्क्वायर का कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ u स्क्वायर है 4, तो 0 अपॉन में 4। तो अगर हम 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो होगा 0, अगर 0 से हम 0 को हम किसी से डिवाइड करें तो वो भी होगा 0, तो यहाँ पर आ जाता है बिल्कुल इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट, जो कि है t² माइनस में 15। इसमें से टी वाली जो टर्म है वो मिसिंग है, तो ये किस तरह से पॉलीनोमियल होगा, t² प्लस में 0 मल्टीप्लाई में टी, मतलब ये वाली टर्म जो हमें मिसिंग दे रखी है, तो हम इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी कि जो टी वाली टर्म है वो है 0 माइनस में 15। तो ये पॉलीनोमियल है, इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो 15 है माइनस में 15 है, इसका स्क्वायर भी कर देंगे और रूट भी लगा देंगे। इससे 15 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 15 एज इट इज रहेगा। इससे अब फायदा क्या होगा, ये किस फॉर्म में आ गया, t² माइनस में 15 रूट 15 का स्क्वायर, यानी कि a² माइनस में b² के फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस में b² इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b, यानी कि हम इसके आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो t² इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, टी माइनस में रूट 15 और टी प्लस में रूट 15, ये दो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इस पे। तो दो फैक्टर्स यहाँ से इसके जीरोस भी निकाल लेंगे, तो टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0 और टी प्लस में रूट 15 इक्वल्स टू 0। तो 15 को दूसरी तरफ भेजेंगे, रूट 15 को माइनस रूट 15 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा टी इक्वल्स टू रूट 15, और इस तरफ भी यही करेंगे हम, t इक्वल्स टू प्लस रूट 15 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में रूट 15। ठीक है,
ये दो जीरोज आ गए रूट 15 और माइनस में रूट 15, दो जीरोज आ गए। अब वेरीफाई करते हैं जीरोज और कोफिशियंट के रिलेशन को। तो सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम किसके इक्वल होगा, कोफिशियंट ऑफ टी माइनस में कोफिशियंट ऑफ टी और अपॉन में कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि रूट 15 प्लस में माइनस रूट 15, तो ये 15 रूट 15 प्लस में माइनस रूट 15, इनका सम किसके इक्वल होगा, माइनस में कोफिशियंट ऑफ टी, टी का कोफिशियंट क्या है जीरो, ठीक है, अगर हमें नहीं दे रखा तो जीरो अपॉन में टी स्क्वायर का कोफिशियंट, टी स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है वन, और ये क्या हो जाएगा रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 में से रूट 15 गया यानी कि जीरो, और उस तरफ भी क्या है जीरो अपॉन में वन क्या होगा जीरो। तो सम ऑफ जीरोज का रिलेशन हो गया यहाँ पर वेरीफाई। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि रूट 15 मल्टीप्लाई में माइनस रूट 15, ठीक है, दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर माइनस में 15, तो माइनस में 15 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का कोफिशियंट है 1, तो माइनस में 50 सॉरी रूट 15 मल्टीप्लाई में माइनस रूट 15, तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई में 15, दोनों रूट के अंदर है, इक्वल्स टू माइनस में 15, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 15 और 15 अंदर पेयर बन गया तो इनमें से एक बार आएगा और ये हो जाएगा रूट 15 सॉरी रूट हट जाएगा, एक बार आएगा इसमें से, ठीक है, रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में 15 इक्वल्स टू माइनस 15, यहाँ पर भी ये इक्वल आ रहा है, तो रिलेशन हो गया वेरीफाई। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट लास्ट, ठीक है, इसमें है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो इसके फैक्टर्स करेंगे, इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से होंगे 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 4x माइनस 4। तो फर्स्ट टू टर्म में से हम लेंगे कॉमन, फर्स्ट टू टर्म्स में से 3x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें से कॉमन आ रहा है 3x और अंदर बचेगा x प्लस में 1, इसी तरह से माइनस फोर एक्स और माइनस फोर इन दोनों टर्म्स में से लेंगे कॉमन, तो माइनस फोर यहाँ पर आ रहा है कॉमन और अंदर बचेगा एक्स प्लस में वन, तो इसके दो फैक्टर्स क्या हो गए, थ्री एक्स माइनस में फोर, थ्री एक्स माइनस में फोर, एक ये फैक्टर हो गया और एक हो गया एक्स प्लस में वन। यहाँ से हम जीरोज निकाल लेते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू जो होगी वही होगा जीरोज, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो माइनस फोर को दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस फोर, और x के साथ थ्री जो है वो मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आएगी फोर अपॉन में थ्री, और यहाँ से भी x प्लस वन, तो मैं प्लस वन को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस वन, तो दो जीरोज आई हैं हमारी फोर बाई थ्री और माइनस वन, ये दो जीरोज आ गई। अब वेरीफाई करते हैं रिलेशन जीरोज और कोफिशियंट का, तो सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम यानी कि फोर बाई थ्री और प्लस में माइनस वन, तो फोर बाई थ्री प्लस करेंगे इसमें माइनस वन, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशियंट माइनस में, तो यहाँ पर है माइनस वन, तो ये किसके इक्वल होगा माइनस वन, और ये वाला माइनस भी हम लगाएंगे जो इस कोफिशियंट के आगे लिखा है, तो माइनस में माइनस वन अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है थ्री, तो ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेके इसे जोड़ेंगे हम, थ्री वन जा थ्री, तो ये हो जाएगा फोर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है प्लस माइनस माइनस और थ्री वन जा थ्री, एलसीएम लेंगे तो थ्री को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री वन जा थ्री अपॉन में थ्री, और उस तरफ क्या आएगा दूसरी तरफ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का वन अपॉन में थ्री, तो वन अपॉन में थ्री, तो इन दोनों को फोर में से थ्री को, फोर में से थ्री को माइनस करेंगे तो ये आएगा वन बाय थ्री इक्वल्स टू वन बाय थ्री, ये हो गया सम ऑफ जीरोज का रिलेशनशिप वेरीफाई। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि फोर बाई थ्री मल्टीप्लाई में माइनस वन इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस फोर अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यानी कि थ्री, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे, फोर फोर प्लस का है वन माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस और फोर वनजा फोर अपॉन में थ्री, तो ये इक्वल है बिल्कुल माइनस फोर अपॉन में थ्री, तो ये हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।